प्रदेश के पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पशुपालन विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा मंडलीय अपर निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक कर गोवंश पशुओं के रखरखाव सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर निदेशक पशुपालन डॉक्टर नायक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GK सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, अधीक्षक पाली क्लिनिक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, पशु चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पशुधन मंत्री ने वर्षा ऋतु के कारण गोवंश के पशुओं के रखरखाव, चारा प्रबंध एवं बाण की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी छुट्टा पशु सड़कों पर या खेतों में मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी और जिला पशु चिकित्सा अधिकारी की होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कोई भी दुर्घटना ना होने पाए और बाण में किसी भी तरह की कोई नुकसान पशुओं को या पशुपालकों को ना हो सके, इसके लिए पशुधन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। प्रबंध करेंगे, ये जिम्मेदारी है आप लोगों की। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, जहां से ये शिकायत आएगी कि फला गांव में या फला शहर में या उनके यहाँ सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसान के साथ कोई दुर्घटना हुई है या वहाँ इतना झुंड गोवंश का घूम रहा है, वो डॉक्टर जिम्मेदार होगा, वो CEO जिम्मेदार होगा। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई न प्रमुख सचिव साहब के स्तर से होगी, न मेरे स्तर से होगी, और यदि डायरेक्टर भी कोई इसमें ढिलाई करेंगे तो मेरे ख्याल से वो बात छीनी है। मेरा एक अब तक का ये अनुभव रहा है, जो अच्छा काम करते हैं उन्हें प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। यदि उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से एक तो कंपटीशन की भावना नहीं होगी, दूसरे नंबर यह है कि उस आदमी का खुद का भी, जब सभी एक जैसे काम कर रहे हैं, भाई यदि रात ना हो तो फिर दिन की क्या वैल्यू है, दिन की कोई कीमत ही नहीं होगी। दिन की कीमत इसीलिए है कि रात है, भले की कीमत इसीलिए है कोई बुरा है, सुंदर की कीमत इसलिए है कि कोई दूसरी तरह का भी व्यक्ति है। इसलिए मैंने प्रमुख सचिव साहब से भी और अपने निदेशक दोनों बैठे हैं उनसे मेरा ये दोनों में सुझाव है सभी अधिकारियों को, जो हमारे अच्छे काम करने वाले हैं, उन अच्छे काम करने वाले चाहे वो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हों, चाहे हमारे डॉक्टर हों, चाहे पशुधन विशाल अधिकारी हों, उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। ये हमारे विभाग से एक स्कीम होनी चाहिए, चाहे उसका कोई भी स्वरूप हो, उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है, उन्हें सर्टिफिकेट के साथ साथ और भी सम्मानित किया जा सकता है। पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अनेक हमारे विभागों में सम्मानित करते रहे हैं, हमारे मंत्री स्तर से भी सम्मानित होते रहे हैं। इसलिए जो अच्छा काम करे उसका आदरणीय हमारे प्रमुख सचिव साहब हो और निदेशक महोदय, ये विशेष सचिव, ये सब तय कर लेंगे किस रूप में उनको सम्मानित करना है। कहा था कि भाई मैंने अब तक ये तो सुना था कि काम नहीं हुआ और डाटा झूठा फीड हो गया, लेकिन ये मैंने नहीं सुना काम हो तो दो आदमी रखे जिले में, दो दो सब पे आप लोगों पे दो दो कंप्यूटर के वो हैं व्यक्ति, जब दो दो कंप्यूटर के व्यक्ति हैं तो एक तो इस दुनिया में जो भी भगवान ने पैदा किया है सब पढ़ते हैं, इसी चीज से लेके हाथी में लोगों को याद होगा अच्छी तरह से। तो अब टीकाकरण में है हमारा कार्य बहुत तेजी से और पूरा होना चाहिए, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो दीपावली तक, अब से लेकर दीपावली तक एक ऐसा समय है जिसमें पशुओं में मुख्य रूप से खुरपका मुंहपका ये रोग फैलते हैं, इसलिए टीकाकरण का कार्य बहुत तेजी से पूरा होना चाहिए।
एक बात विशेष ध्यान देने की ये है कि जो हमारे बाढ़ ग्रस्त जनपद हैं, उनमें जब बाढ़ आती है तो बाढ़ ग्रस्त जनपदों में पचपन की बड़ी दिक्कत आती है, तो बाढ़ ग्रस्त जनपदों में और फिर बीमारी भी फैलती है वहां। बाढ़ ग्रस्त जनपदों में जितने भी हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, वो अभी से जिलाधिकारी जी से संपर्क करके उन्हें ये प्रबंध कर लेना चाहिए, दवाइयों का प्रबंध हो, कभी आवश्यकता पड़े तो वो चारे के बारे में भी जरूर हो बात कर लें, उस समय में चारा कहाँ उपलब्ध हो सकता है, चाहे वो बाढ़ राहत कोष से जाए, आपके पास पैसा है या कैसे भी जाए, लेकिन उस समय चारा कैसे उपलब्ध हो सकता है, दवाई ही का पूरा प्रबंध हो, पशुओं को रहने की व्यवस्था के बारे में भी स्पॉट आपको देख लेने चाहिए। ये अकेले डीएम का ही काम नहीं है, ये हमारा भी काम है। ये डीएम का काम ये है कि जब बाढ़ आएगी तो वो हो रोटी के पैकेट पहुंचा देंगे, ये उनका काम है, लेकिन यदि पशुओं में कोई बीमारी फैलेगी तो फिर बदनामी हमारी होगी। पशु यदि चारे के अभाव में भूखा रहेगा तो बदनामी हमारी होगी, हमारे ही ऊपर आएगा। इसलिए बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि इनमें हमको पहले से इंतजाम कर लेना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम सभी जो भी जहां जहां हम लोग प्रभारी मंत्री हैं उन सबको भी ये बात बता दी गई है कि वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा जरूर कर लें।